एक हफ्ते में 3 बार दहला हरियाणा, फायरिंग की 3 घटनाओं से दहशत में जनता, कब थमेगी हरियाणा में गोलियों की आवाज, फिरौती, डर और दहशत का जिम्मेदार कौन, गोलियों की आवाज अब हरियाणा में आम हो चली है, डर, दहशत, खौफ, कत्ल, धमकियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। पब्लिक भी अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कब उन्हें इस दहशत से मुक्ति मिलेगी। पिछले 7 दिनों से हिसार, फिर गुरुग्राम और अब कुरुक्षेत्र में फायरिंग की वारदातों ने जनता का जीना दूभर कर दिया है। जिसके भरोसे जनता की सुरक्षा है, वो खाकी तो गुनाह के बाद मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाती है। तो क्या जनता अब खुद को राम भरोसे समझे? ये बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में फिरौती के लिए फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी हिसार तो कभी कुरुक्षेत्र, हरियाणा अब अपराध का अड्डा बनते जा रहा है। कुरुक्षेत्र के दीदार नगर प्रोफेसर कॉलोनी इलाके में रहने वाले एक नामी वकील के घर पर पहले तो व्हाट्सएप पर 50 लाख की फिरौती के लिए वॉइस कॉल आती है और कुछ ही देर में बाइक पर आए 2 अज्ञात युवक वकील साहब के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली घर के अंदर लगी कार के पीछे लगी है और एक गोली घर के गेट पर लगे लैंप में लगी है, जबकि गोलियों के कर खोल पुलिस ने घर के गेट के आसपास से बरामद किए हैं। इनके जो रात को मकान में सोए हुए थे तो इनके दरवाजे पे, इनके गेट के साथ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 4 राउंड जो है ना वहाँ चलने बताए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा, इन्होंने बतलाया भाई सुबह देखा तो इन्होंने भी रात जो है ना, हमने फोन नहीं उनका उठाया था, उनको वॉइस पे जो है ना इन्होंने मैसेज के द्वारा इनको 50 लाख रुपए फिरौती मांगने बारे धमकी दी थी। कब धमकी दी सर? रात को, रात 11:30-11:30 बजे के करीब इन्होंने जो है ना, और हमने एफएसएल टीम को मौके पे जाने सूचना दे दी थी और उन्होंने अपना जो है ना, डॉक्टर साहब ने अपना निरीक्षण किया है और आगे इसमें जो है ना जांच जारी है। और हाँ, मामला राउंड फायर हुए, इसमें 4 राउंड बता रहे हैं फायर में। सर कोई जानी नुकसान तो नहीं? अभी इसमें कोई जानी नुकसान तो, CIA 1 और 2 दोनों जो टीमें यहाँ आ गई है मौके पर, SHO साहब भी आ गए थे और इसमें अभी जो है ना जाँच जारी है। फिलहाल कुरुक्षेत्र पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म क्यों होता जा रहा है? क्या बदमाशों को सूबे में किसी का खौफ नहीं है? और आखिर सरकार अपराधियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए क्या कर रही है? आज से ठीक 10 दिन पहले हिसार में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के शोरूम पर दनादन 30 राउंड फायरिंग की गई थी और ये गोलियां भी 5 करोड़ की फिरौती के लिए दागी गई थी। करीब 5 मिनट के अंदर हथियारबंद बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग कर दी। शोरूम के सामने लगे शीशे में इतनी गोलियां मारी कि हर तरफ गोलियों के निशान ही निशान बन गए। इस घटना को 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि रंगदारी की एक और घटना ऑटोमोबाइल व्यापारी से घटित हो गई। हिसार में ऑटो मार्केट के ही व्यापारी भीम ऑटोमोबाइल के मालिक को रात को 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। तो वहीं बीते शुक्रवार को गुरुग्राम में मार्केट में जूस पीने के लिए एक रुके स्क्रैप व्यापारी को 2 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। अब सवाल ये उठता है कि रंगदारी, फिरौती, कत्ल जैसी संगीन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।